अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ अयाज़ अहमद। वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन फ्यूचर में। आज हम बनाने जा रहे हैं बांस से हैंगिंग पॉट। हैंगिंग पॉट हमारे पास ये दो बांस हैं जिसमें से हम हैंगिंग पॉट निकालेंगे। इस वाले में से ये बड़ा वाला है, इसमें से हम दो हैंगिंग पॉट निकालेंगे, और इस वाले में से ये छोटा है इसमें से हम एक ये सेंटर में से हैंगिंग पॉट निकालेंगे। तो इसके लिए हमें जो टूल्स चाहिए उसके अंदर फर्स्ट है ब्लेड चाहिए हमें, एक आरी जिससे हम लकड़ी काटते हैं जिसको सो भी बोलते हैं, और एक ड्रिल मशीन चाहिए होगी हमें होल्स करने के लिए, और इसके अलावा हमें दो चार चीज़ें और चाहिए होंगी जिस तरह हथौड़ी हो गई और छेनी हो गई और इस तरह की दो तीन चीज़ें और। तो अभी स्टार्ट करते हैं बनाना, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम इसकी साइडें काट देंगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, और ये देखें ये बीच वाला जो है ये लोक है, दोनों तरफ इसके नोट्स हैं यहाँ पर, तो जिसकी वजह से ये लोक हुआ बीच से, तो ये वाला हम यूज़ करेंगे। यहाँ से ये डैमेज हुई है तो इसी साइड से हम इसको काटेंगे, मगर सबसे पहले हम इसकी ये दोनों साइडें काट लेते हैं। आरी का ब्लेड यूज़ कर रहे हैं, इससे हम इसको काटना शुरू कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये कट गया, हमारे पास कोई ऑटोमेटिक सो तो नहीं है, मैनुअल आरी है, उसी के ब्लेड से हम इसको काट रहे हैं। तो बाय द वे ये कट चुका है, ये इसका पीस आ गया बचा हुआ, इसको भी हम किसी न किसी चीज़ में यूज़ करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर भी कुछ ना कुछ बना ही लेंगे। बाय द वे तो ये एक साइड से रेडी है, अभी दूसरा साइड भी काटना शुरू करते हैं इधर ही से। ओके जी, ओके जी, तो ये नेक्स्ट भी कट चुका है, तो अभी हमारे पास ये रेडी हो गया। यही हमारा पॉट है, यही इसकी पोजीशन होगी हैंगिंग की, ये वाली साइड से इस तरह इसकी हैंगिंग पोजीशन आ जाएगी साइडों से, ये डोरियों के साथ जो है वो बन जाएगा, और बीच में से इसको अब हम निकाल लेते हैं काट के। अब इस पे हम यहाँ पर साइडों में निशान लगा लेंगे, निशान लगाएंगे कि हमें कितना काटना है इसको मार्कर पेन की मदद से। तो ये ओके, दोनों तरफ लाइन लग चुकी है, अब इसको काटना शुरू करते हैं। लाइन तक हमने इसको काट लिया दोनों साइडों से, तो ये हाफ से थोड़ा सा कम है, आधे मास से थोड़ा सा ये कम है, इतना हमने काट लिया। अब इसी तरह से हम ये जो दूसरी साइड है सेकंड साइड, यहाँ से भी हम इसी तरह इसको कट लगा लेंगे। तो ये भी हो गया, एक बराबर दोनों साइडों से हमने कट लगा लिया। अब हम ड्रिल मशीन की मदद से यहाँ से इसको होल करते हुए जाएंगे और पूरे यहाँ तक इसके अंदर होल कर देंगे, ताकि जब हम इसको यहाँ से तोड़ें किसी छेनी की मदद से या स्क्रैपर की मदद से, तो ये बांस कहीं और से ना फटे बल्कि उधर ही से ये फट जाए जहाँ पर हमने होल करा हुआ हो, ताकि हमारे मुताबिक इसका डिज़ाइन जो है वो आ जाए। इसी तरह हम यहाँ पर भी इसी तरह करेंगे, इसी तरह हम ड्रिल मशीन से यहाँ पर 10, 12 या 20 होल कर देंगे, उसके बाद जो है फिर हम इसको स्क्रैपर की मदद से उखाड़ने की कोशिश करेंगे और ये बिल्कुल सीधा आ जाएगा। उसके बाद हम फाइल की मदद से इसको घिस के लेवल में ले आएंगे, ताकि ये दिखने पे खूबसूरत भी लगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं ड्रिल मशीन के साथ इसके अंदर होल करना, उसके पहले हम निशान लगा लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमने कितने होल करना है और कहाँ कहाँ करना है। तो बहुत कम डिस्टेंस में दे रहा हूँ, आप इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी दे सकते हैं, जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी अच्छी तरीके से ये साफ़ सुथरे तरीके से दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये काफ़ी सारे निशान लगा लिए मैंने, मगर मैं इनमें से एक एक शायद छोड़ दूँ बीच में से, अभी देखते हैं जब हम स्टार्ट करेंगे करना, तो फिर हमें अंदाज़ा हो जाएगा सही कि हमने कितनी दूर पे करना है ये।
तो ओके जी, तो ये रेडी हो गया। अब ड्रिल मशीन जो है वो उसके अंदर हम बिट लगा लेते हैं और फिर हम इसको शुरू। ये साइड हमारी रेडी हो चुकी है। अब बिल्कुल एज इट इज़ ही हम इसकी अपोजिट साइड जो दूसरी वाली इधर हमने निशान लगाए हैं, अब हम इन पे भी इसी तरह से होल बना लेंगे। इसको बना लेते हैं। अब ये हमारा कटिंग के लिए रेडी है। अब क्योंकि हमने इससे अंदर ड्रिल मशीन के साथ होल कर लिए हैं, तो ये बहुत ईजीली हम इसको यहाँ से अब कट कर लेंगे, इधर से भी और इधर से भी, और जो भी कुछ इसके अंदर हेडल्स होंगे ऊपर नीचे हो जाएगा या फिनिशिंग आउट हुई भी होगी, तो हम उसको फाइल की मदद से स्क्रैचर से स्क्रैच कर लेंगे और ये बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो ये रेडी हो गया। अभी हम इसको स्क्रैपर की मदद से स्क्रैप कर लेते हैं, थोड़ा सा फाइल वाइल लगाते हैं, थोड़ी सी उससे फिनिशिंग। अभी हम इसके अंदर साइडों में भी होल बना लेते हैं ताकि हमारे को हैंगिंग करने में आसानी हो। फिर इसके अंदर हम सॉइल डालेंगे, नीचे सोल नीचे भी होल करेंगे। तीन होल हम नीचे करते हैं इसके और तीन से चार, और फिर यहाँ पर हैंगिंग के लिए यहाँ पर भी होल करते हैं, उसके बाद ये फिर रेडी हो जाएगा। जी तो पांच होल हमने नीचे कर लिए हैं, इसको
पानी के लिए। अब हम इसके अंदर साइड में भी होल कर लेते हैं जिससे हम इसको लटकाएंगे। ओके हो गया, सारे होल रेडी हैं। अब इसको रस्सी से बांधते हैं। ये यहाँ से हमने निकाल ली है, अब यहाँ पर हम एक नोट लगा देंगे। और इसको वापस हम खींचेंगे तो ये टाइट हो जाएगा। अब देख लेते हैं कितना हमने रखना है इसको। आई थिंक इतना बहुत है, तो अब इसको यहाँ पर यहाँ से कट कर लेंगे। ओके, सो नाउ इट्स रेडी। अब इसके अंदर हम सॉइल डालने जा रहे हैं। सॉइल डालेंगे और उसके बाद फिर जो है इसके अंदर हम पौधा लगाएंगे। तो हैंगिंग पॉट रेडी है पौधा लगाने के लिए। अब इसके अंदर हम पौधा लगाते हैं। मॉस रोज़ लगाएंगे इसके अंदर हम, और मॉस रोज़ के अंदर हमारे पास बिग लीफ मॉस रोज़ एक पड़ी हुई है, तो उसमें से ही हम कटिंग करेंगे और कटिंग करके इसके अंदर हम लगाएंगे और इंशाल्लाह वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। तो अभी वो लगाते हैं हम। शाम का वक्त है, लीव इसके जो है वो बंद हो गए,
बट ये जब मॉर्निंग होएगी, धूप निकलेगी तो ये खुल जाएंगे और इसके अंदर फ्लावरिंग भी होती है बहुत अच्छी पहले। तो इसी की अब हम कटिंग कर लेते हैं, फिर कटिंग हम इसके अंदर लगाएंगे। ओके जी, तो कटिंग्स रेडी हैं। मॉस रोज है, बिग लीव है, कटिंग रेडी है, लगाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। उसके बाद भरपूर पानी देंगे। सबसे सेंटर में सबसे मैन कट गई, बट है मैन। जब भी हमने किसी चीज़ की कटिंग लगानी है, वो बेल हो या कोई प्लांट हो, नीचे के हमने जो लीव हैं उसको जो है वो ऑलमोस्ट हमने हटा देना है, क्योंकि अगर ये रहेंगे तो फिर जब हम पानी देंगे तो फिर इसके अंदर फंगस लगने का खतरा रहता है। लास्ट वन है, ये थोड़ी ज़्यादा ट्यूल है, मैं भी पॉसिबल कि ये गिर जाए, इसके दो कर लेते हैं और एक साइड पे लगा देते हैं। ओके जी, तो ये लग चुकी है। शाम का वक्त है, लीव जो है इसके वो क्लोज हो जाते हैं, जिस तरह छुई मुई का पौधा जब आप हाथ लगाते हैं तो वो बंद हो जाता है, इसी तरह ये जिस तरह शाम होती है तो फिर ये बंद हो जाती है। शाम अभी जब मॉर्निंग होएगी, मॉर्निंग के अंदर ये लीव जो है वो ओपन हो जाएंगे सारे और बिल्कुल ये निखर जाएगा। अभी इस तरह लग रहा है जैसे कि ये पौधा जो है वो मर चुका है, बट ऐसा है नहीं। ये देखें, जैसे ही मॉर्निंग होएगी तो फिर ये लीव इसके ओपन हो जाएंगे और ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी देखने पर। तो अभी हम इसको पानी देते हैं। फर्स्ट टाइम हम इसको इतना पानी दे देंगे कि नीचे ड्रायन हॉल से पानी निकल जाए, ताकि जो सॉइल है हमारी वो अच्छी तरह से जम जाए। ओके जी, तो ये रेडी है। अब इसको हैंग करेंगे, चलो फिर ले चलते हैं इसको हैंग करने। तो ये हैंगिंग पॉड हमने हैंग कर दिया यहाँ पर डोरी के ऊपर और अब ये ओके है बिल्कुल। जिस तरह इसका प्लांट जो है वो एक्टिव होता जाएगा, ये ब्यूटीफुल होता जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा और फिर ये देखने पे बहुत ही हसीन लगेगा। अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है, फिर ये और भी ज़्यादा हसीन हो जाएगा। तो बहुत ही ईजिली हमने ये पॉड बना लिया है, अभी और भी बनाएंगे इंशाल्लाह, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसी के साथ आयाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।